इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ फॉर्मूला फॉर थिक लेंस। थिक लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे और समझेंगे फोकल लेंथ क्या होती है। आइए पहले समझते हैं थिक लेंसेज क्या होते हैं। तो कोई भी ऐसे लेंस जिसकी थिकनेस या मोटाई रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल ना हो, यानी कि नगण्य ना हो, तो ऐसे लेंसेज को हम थिक लेंस बोलते हैं। इसका सिंपली मीन ये है, एक तो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरी होती है लेंस की थिकनेस। ये दोनों इतना इम्बैलेंस ना हो कि हम थिकनेस को नेगलेक्ट मान सकते हैं। अगर नेगलेक्ट मान लेंगे तो ये थिन लेंस बन जाएंगे, यानी कि थिकनेस कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेरिजन में। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। कंसिडर कर लेते हैं ये कोई थिक लेंस है और ये कर्व सरफेस है, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी आर वन। वैसे ये भी क्या है, कर्व सरफेस, ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर टू। अब कंसिडर कर लेते हैं ये कोई इसका प्रिंसिपल पॉइंट है ये, और ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो थिकनेस है ये टी, इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ लेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल ना हो, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू, मतलब ये बहुत छोटी अगर नहीं है इसके कंपेरिजन में रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन या आर टू के, तो इस लेंस को हम थिक लेंस बोलते हैं। अब इसके लिए हमको ड्राइव करना है फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो कंसिडर कर लेते हैं इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और यहाँ पर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होता है। तो ये हो गया पहला मीडियम और ये हो गया दूसरा मीडियम जहाँ पर ये लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और यहाँ पर भी क्या है, एयर है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वापस से म्यू वन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एक मोटा लेंस है जो एयर में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ऐसा मान लेते हैं ये कोई लाइट रे आती है, यहाँ पर आकर के इंसिडेंट होती है। तो देखेंगे पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम क्या है, लेंस का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो ये लाइट रे कहाँ पर मुड़ेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखेंगे ये कर्व सरफेस है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो नॉर्मल कहीं यहाँ पर आएगा और ये नॉर्मल की साइड मुड़ने वाली है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी, इस तरीके से। ये यहाँ पर बैंड क्यों हुई है, बिकॉज ये क्या है, कर्व सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पर होगा आगे, और यहाँ से नॉर्मल ऐसे आएगा और ये नॉर्मल की साइड मुड़ेगी, इसलिए नीचे की ओर मुड़ी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये वाली कर्व सरफेस नहीं होती और ये पूरा का पूरा मीडियम सेम होता तो ये सीधी निकल जाती कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जाकर मीट करती, इसको मैं बोल दूंगा ओ पॉइंट। आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये वाली कर्व सरफेस प्रेजेंट नहीं होती और ये पूरा मीडियम सेम होता तो ये यहाँ पर पहुँचती। ये क्यों बनाई है, इसको आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, ये फिर से कर्व सरफेस है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। अब दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जाएगी। अब ये वाला मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये वाला मीडियम क्या है, रेयर मीडियम है। और जब भी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। अब देखेंगे ये कर्व सरफेस कुछ इस तरीके से है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा इस तरीके से, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है और स्फीयर का सेंटर यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल ऐसे आएगा, नॉर्मल कहाँ से आता है, तो किसी भी स्फीयर के लिए नॉर्मल आता है सेंटर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लेते हैं ये है कोई, ये सेंटर है, तो ये सरफेस के लिए नॉर्मल होगा, ये सरफेस के लिए नॉर्मल होगा, ये सरफेस के लिए नॉर्मल होगा। अगर आप इसको यहाँ से काट देते हैं तो देखेंगे ये कुछ इस तरीके का ये कर्व, तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसे जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल ऐसा गया था। जब नॉर्मल ये ऐसा जाएगा तो ये नॉर्मल से अब दूर जाएगी, बिकॉज ये क्या है, डेंसर मीडियम और ये क्या है, रेयर मीडियम। तो वापस से नॉर्मल यहाँ पर होने वाला है और ये यहाँ पर मुड़ जाएगी, तो लाइट रे कुछ यहाँ पर पहुँचेगी। इस पॉइंट को बोल देंगे हम एफ पॉइंट। अब देखेंगे लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है और ये यहाँ पर आकर मीट कर रही है, मतलब इमेज यहाँ पर बनने वाली है एफ पर। ये क्यों बनाया है, इसको आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये पहली वाली सरफेस है, इसका फोकस पॉइंट ये है, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी,
तो ये पहली कर्व सरफेस की फोकस डिस्टेंस होगी जहाँ पर जाकर ये मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं एफ। ये इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये इमेज बनी है और इमेज को हम लिखते हैं वी से। तो इस कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, मतलब यू क्या है, जीरो है। यू होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी होती है इमेज डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, तो लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, इनफाइनाइट से, सॉरी इनफाइनाइट से। और इसकी इमेज कहाँ पर बनी, ओ पर बनी। तो इसका मतलब पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पर है बट इमेज ओ पर बन गई पहली सरफेस के लिए। आप देखेंगे जिसकी इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वी हो गई। वैसे अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, अगर मैं सेकेंड सरफेस की बात करता हूँ तो सेकेंड सरफेस की इमेज ये बनी है। तो सेकेंड सरफेस के लिए जो फर्स्ट वाली है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। क्या काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इस पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ एम पॉइंट, और इस पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूँ मैं एम डैश, एम डैश। और हमको पता है एम एम डैश जो थिकनेस है ये टी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एम एम डैश थिकनेस है लेंस की। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और इमेज ओ पर बनती है। जैसे ही मैं बात करता हूँ दूसरे कर्व सरफेस के लिए तो इमेज तो एफ पर बन गई, क्या बन गई, एफ पर। जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये तो ये जो इस पहले वाले की ये इमेज थी ये दूसरी वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इस सरफेस के लिए भी आ तो ये इनफाइनाइट से ही रही है लेकिन इसकी इमेज यहाँ पर बनी, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या होगी, वर्चुअल इमेज। तो इसके लिए ये क्या है, इमेज वी डैश मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे, वी डैश ये, और ये क्या हो जाएगी, यू। कौन सी सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए। अब आप यहां पर देखेंगे हमारे पास में दोनों हो गए, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और इमेज ओ पर है, और इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा यू डिस्टेंस पर और इमेज ये हो गई वी डिस्टेंस पर इसके लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में ये दो कर्व सरफेस हैं और हम इस मोटे लेंस को, थिक लेंस को दो कर्व सरफेस समझकर एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज कर्व के रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इक्वल्स टू, कितना होता है ये, म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। अगर किसी भी कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एक कर्व सरफेस है ये दूसरी कर्व सरफेस है और दोनों पर क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन, इसके लिए ये इक्वेशन होती है, ये होता है म्यू वन पहला मीडियम म्यू टू दूसरा मीडियम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कर्व सरफेस पर ये फॉर्मूला लगा देंगे, दूसरी कर्व सरफेस पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। बट यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं, जैसे ही लाइट रही है यहाँ पर आई है तो मैं इसको पीछे बैंड करता हूँ, पीछे इस तरीके से सीधी रेखा, तो ये क्या होता है इसके बराबर इस तरीके से यहाँ पर आकर के मीट करती है। ये जब यहाँ पर आकर मीट करी है तो मैं इसको पीछे ड्रॉ कर रहा हूँ डॉट 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 इस तरीके से, इसको आगे ड्रॉ कर रहा हूँ। जहाँ पर इसने इंटरसेक्शन पॉइंट काटा उसको हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट ये होगा, ये हालांकि बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, थोड़ा सा ड्रॉ दिक्कत हो गई। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, मैंने कुछ नहीं किया है, ये आ रही थी इसको आगे बढ़ा दिया, ये जब यहाँ से निकली इसको पीछे बढ़ा दिया, जहाँ पर दोनों ने मीट किया तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा प्रिंसिपल पॉइंट और ये वाला प्लेन हो जाएगा प्रिंसिपल प्लेन। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये इस थिक लेंस की फोकल लेंथ होगी, क्या होगी ये, फोकल लेंथ, इसको हम बोलते हैं एफ, ये वाली पी एफ पॉइंट, बिकॉज इस लेंस के लिए प्रिंसिपल पॉइंट है ये वाला और हम प्रिंसिपल पॉइंट से ही फोकल लेंथ को मीजर करते हैं। तो इस थिक लेंस के लिए जो फोकस डिस्टेंस होगी ये होगी पी एफ, तो यहाँ पर पी एफ कितनी हो गई, स्मॉल एफ हो गई और हमें इसी को मीजर करना है, आगे बात समझ में, बिकॉज हम सभी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल पॉइंट से ही मीजर करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको पीछे इसलिए बढ़ाया जिससे हमें प्रिंसिपल पॉइंट मिल जाए, हमने इसको पीछे बढ़ाया इसको आगे बढ़ाया, जहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पर, और जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया उसी को हम प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं और इस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और सभी डिस्टेंसेज हम प्रिंसिपल प्लेन से ही मीजर करते हैं।
तो देखेंगे ये लेंस है जिसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, फोकस डिस्टेंस होगी, बिकॉज ये पूरा लेंस हो गया और इमेज यहाँ पर बन गई। फिर ये क्यों ड्रॉ की थी, तो दोस्तों ये तो हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ की थी, इससे ज़्यादा इसका कोई भी यूज़ नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट कर्व सरफेस की, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट कर्व सरफेस और इसको मान लूँगा सेकेंड। तो पहले मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला ये होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टू, ठीक है, म्यू टू ओवर वी, वी डिस्टेंस कितनी है, आप यहाँ पर देखेंगे तो वी डिस्टेंस हमारे पास में ये रही एम ओ, ये वाली, तो हमारे पास में आ जाएगा एम ओ, ये कर्व सरफेस है और इसकी इमेज यहाँ पर जाकर बनती अगर ये नहीं होता तो हमने ओनली ये वाली डिस्टेंस। अब आप यहाँ पर देखेंगे माइनस ये होता है म्यू वन कितना है, तो हमने यहाँ पर एयर कंसिडर की है जिसकी वैल्यू हो जाएगी वन। अब यहाँ पर यू क्या है, तो इस कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इनफाइनाइट इक्वल्स टू म्यू टू, तो म्यू टू है और म्यू वन कितना है, वन है ओवर इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है आर वन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आर वन। कुछ नहीं किया हमने, इस फॉर्मूले में इसकी कंडीशन अप्लाई की है, इसकी इमेज कहाँ पर बनी है, ये होती है इमेज डिस्टेंस v, कितनी है एम ओ, यहाँ पर लिख दी, माइनस ये होता है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, और ये होती है इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये तो हो जाएगा ज़ीरो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू टू ओवर एम ओ इक्वल्स टू म्यू टू माइनस वन ओवर आर वन, और यहाँ से हम एम ओ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम ओ इक्वल्स टू, दोनों को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू टू आर वन ओवर म्यू टू माइनस वन। कुछ नहीं किया है, इसको इधर ले गए, इसको इधर लेकर आ गए, तो हमारे पास में ये एम ओ की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर जाएगा और ये अपॉन में और ये यहाँ पर, इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन वन। और एम ओ कौन सी डिस्टेंस है, एम ओ ये वाली डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, अब देखेंगे एम ओ ये डिस्टेंस है, एम ओ ये वाली डिस्टेंस, मैं इसको लिख रहा हूँ एम एम डैश, एम ओ को एम एम डिस्ट प्लस एम डैश ओ प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये एम डैश ओ, इस वाली डिस्टेंस को मैंने एम एम डैश प्लस एम डैश ओ इसी के बराबर होगी, भाई टोटल डिस्टेंस ये है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ एम एम डैश प्लस एम डैश ओ बराबर होगी एम ओ डैश के। अब आप यहाँ से एम एम डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे एम एम डिस्ट कितना है, टी है, एम एम डैश कितना है, टी, तो यहाँ से आप एम डैश ओ की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा ये एम डैश ओ इक्वल्स टू, ये कितना है, ये हो जाएगा एम ओ माइनस टी। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमें एम ओ की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट है, ये रही, तो यहाँ से हमें इसको यूज़ करना है, मैं इसको लिख सकता हूँ एम डैश ओ ओवर एम ओ इक्वल्स टू आ जाएगा वन माइनस के टी ओवर एम ओ। कुछ नहीं किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, इसके अपॉन में आ गया, तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा। अब एम ओ की वैल्यू हमारे पास में ये रही, यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम डैश ओ ओवर एम ओ इक्वल्स टू वन माइनस टी। अब देखेंगे एम ओ वन अपॉन में है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू टू माइनस वन ओवर, यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू टू आर वन। हमारे पास में ये कंडीशन आ गई एम ओ की। अब हमारे पास में एम ओ भी पता है, एम ओ डैश भी पता है, और दोनों का रेशियो भी पता है, इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इस कर्व सरफेस पर, इस वाली कर्व सरफेस पर, तो देखेंगे पहला मीडियम कितना है म्यू टू और दूसरा मीडियम कितना है म्यू वन, यानी कि अब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, तो वापस से इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला का क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज जब भी
कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है उसी के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है, म्यू टू पहला मीडियम, और वी क्या होता है यहाँ पर, तो वी होता है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, म्यू वन होता है पहला मीडियम, और यहाँ पर यू क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये दूसरा मीडियम और ये पहला मीडियम। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला मीडियम कितना यहाँ पर म्यू टू है, और दूसरा मीडियम कितना यहाँ पर म्यू वन है। यहाँ पर पहले यहाँ से यहाँ पर आई थी, अब यहाँ से यहाँ पर जा रही है, तो पहला मीडियम म्यू टू है और दूसरा मीडियम म्यू वन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ किस तरीके से, और ये वी क्या होती है, तो वी होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यू होती है सॉरी वी होती है इमेज डिस्टेंस, और यू क्या होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए इस सरफेस के लिए ये तो हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगी रियल इमेज, ये वाली डिस्टेंस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। लेकिन यहाँ पर पहला मीडियम है डेंसर और दूसरा मीडियम है रेयर इस सरफेस के लिए, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है म्यू टू, भाई यहाँ पर टू का मतलब दूसरा होता है, वन का मतलब पहला होता है, लेकिन जब लाइट रे यहाँ से निकल रही है तो ये उल्टी हो गई। अब पहला मीडियम म्यू टू है और दूसरा मीडियम म्यू वन है, तो आपको याद रखना है, तो पहले हमें दूसरा मीडियम लिखना होता है, और दूसरा मीडियम यहाँ पर कौन है म्यू वन है, और म्यू वन की वैल्यू कितनी है वन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वन ओवर। दूसरा मीडियम है यहाँ पर कौन सा है म्यू वन, और यहाँ पर क्या आता है दूसरा मीडियम आता है म्यू टू नहीं, न यहाँ पर वन होता है ना यहाँ पर टू होता है, यहाँ पर होता है दूसरा मीडियम, यहाँ पर होता है पहला मीडियम, यहाँ पर होती है इमेज की डिस्टेंस और यहाँ पर होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला मीडियम म्यू टू है और दूसरा मीडियम म्यू वन है, तो यहाँ पर कौन सा आता है दूसरा मीडियम जिसकी वैल्यू वन है, कितना आ जाएगा ये वन ओवर। अब यहाँ पर वी क्या है, तो वी होती है इमेज डिस्टेंस और इमेज कितनी है एम डैश एफ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एम डैश एफ। उसके बाद में माइनस, अब देखेंगे यहाँ पर कितना होता है ये, तो म्यू वन पहला मीडियम और पहले मीडियम में कितना है यहाँ पर ये म्यू टू है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू टू, और यहाँ पर यू क्या होती है, तो यहाँ पर यू होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कितना है एम डैश ओ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एम डैश ओ, ये वाली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इज इक्वल्स टू। अब देखेंगे ये कितना होता है म्यू टू दूसरा मीडियम, और यहाँ पर दूसरा मीडियम कितना है वन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वन माइनस, और पहला मीडियम कितना है म्यू टू ओवर इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है आर टू। आपको एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर जो म्यू टू म्यू वन लिखे गए हैं ये म्यू टू म्यू वन से मतलब नहीं होते, ये होता है दूसरा मीडियम, ये होता है पहला मीडियम, ये होती है इमेज डिस्टेंस, ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस कर्व के लिए पहला मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है भाई, और दूसरा मीडियम कितना है म्यू वन, तो आपको कन्फ्यूज नहीं हो जाना है कि यहाँ पर टू को वन कर दिया वन को, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने तो यूज़ किया है लो का, ये आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा एम डैश एफ, ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ पर हो जाएगा ये एम डैश ओ। अब हम एक काम कर सकते हैं, एम डैश ओ तो हम जानते हैं, एम डैश ओ ये वाली डिस्टेंस है और एम डैश एफ ये वाली डिस्टेंस है, तो इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन थर्ड, इन सभी का यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में ये बहुत सारी वैल्यूज है, ये एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ से एम डैश एफ कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा वन ओवर एम डैश एफ इक्वल्स टू, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये म्यू टू ओवर एम डैश ओ प्लस की, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये वाला माइनस मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये म्यू टू माइनस वन ओवर आर टू, कुछ नहीं किया है, ये वाली टर्म इधर ले गए तो प्लस की हो गई। अब यहाँ पर वन माइनस म्यू टू था, जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको इस साइड लेके गए हैं और इसमें से माइनस कॉमन लिया है, तो हमारे पास में ये आ गई, और इसको कंसिडर कर लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब मैं इस ज्योमेट्री का यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाली हाइट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ h1, ये वाली हाइट, और ये वाली जो हाइट है ये, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ h2, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट h2 और ये वाली हाइट h1, जहाँ पर ये लाइट रे आकर के इंसिडेंट हुई है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने कंसीडर कर लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैं पहला यूज़ कर रहा हूँ इस ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल,
इसको बोल दूंगा एक्स ओ, और ये एम है, वैसे इसको बोल दूंगा वाई। तो मैं यूज कर रहा हूं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक्स ओ एम, एक्स ओ एम, ये वाला। और साथ साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं ये वाला ट्रायंगल, ये हो जाएगा वाई ओ एम डैश, ट्रायंगल वाई ओ एम डैश, एक ही एंगल है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर एक ही एंगल ये वाला एंगल है, देखेंगे ये और या फिर ये। अब हम जानते हैं जब एक एंगल है तो हम क्या लिख सकते हैं, टैन लॉस है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो कितना होता है ये टैन थीटा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ये एच वन ओवर, परपेंडिकुलर ओवर कितना होता है ये बेस, कितना हो जाएगा ये एम ओ, तो यहां पर आ जाएगा ये एम ओ इस ट्रायंगल में। वैसे ही अब इस ट्रायंगल के अंदर ये तो देखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा इक्वल्स टू, ये भी टेन थीटा ही है, कितना होता है परपेंडिकुलर, तो यहां पर आ जाएगा ये एच टू, एच टू परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा ये एम डैश ओ, तो यहां पर आ जाएगा ये एम डैश ओ। तो यहां से एक काम कर सकते हैं हम, एम ओ एंड एम डैश ओ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा ये एच वन ओवर एच टू इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा एम ओ ओवर एम डैश ओ। कुछ नहीं किया है, इसको यहां पर ले गए, इसको यहां पर, या फिर इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा एच टू ओवर एच वन इज इक्वल्स टू एम डैश ओ ओवर एम ओ। वैसे ही अब इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ये ट्रायंगल, इसको मैं मान लेता हूं जेड पॉइंट और ये पी पॉइंट है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, और साथ में ये ट्रायंगल, ये भी एक ही है, इसको मैं मान लूंगा एंगल थीटा वन, ये देखेंगे ये, या फिर ये, तो कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा जेड एफ पी, जेड एफ पी, और दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा वाई एफ एम डैश, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ये वाई एफ एम डैश। इसमें भी एंगल एक ही है, ये वाला, ये वाली हाइट h1 है और ये वाली हाइट h2 है, तो देखें कितना आ जाएगा ये आ जाएगा tan थीटा 1, कितना होता है पहले इस ट्रायंगल में, तो ये होता है हाइट h1 ओवर, कितनी हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी pf इक्वल्स टू pf, और pf क्या होती है, इस लेंस की फोकस दूरी होती है pf। वैसे ही अब इस ट्रायंगल में ये वाला वाई एफ डैश कितना हो जाएगा इक्वल्स टू, तो यहां पर ये हाइट कितनी है एच टू, और ये डिस्टेंस कितनी है एम डैश एफ, तो ये डिस्टेंस है एम डैश एफ। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं एच वन ओवर एच टू, यहां से इसको अपन में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा पी एफ ओवर एम डैश F। अब आप यहां पर देखें, यहां पर कितना है H1 over S2, ये भी कितना था H1 over S2 था, तो कंपेयर कर सकते हैं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ये आ जाएगा H2 over H1, दोनों को पलटी मार देंगे, तो यहां पर आ जाएगा ये M dash F over, यहां पर कितना आ जाएगा ये PF। अब देखेंगे ये भी S2 over H1 है और ये भी S2 over H1 है, मतलब दोनों कंपेयर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये, यहां से आ जाएगा एम डैश ओ ओवर एम ओ इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा एम डैश एफ ओवर, यहां पर कितना आ जाएगा ये पी एफ। अगर पी एफ की बात करेंगे तो पी एफ ये फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, यही हमको कैलकुलेट करनी है, तो पी एफ कितनी होती है, इस थिक लेंस की फोकल लेंथ होती है स्मॉल एफ, तो पी एफ को क्या लिख सकते हैं हम, पी एफ को लिख सकते हैं वन ओवर एफ, तो यहां से वन ओवर एफ, कुछ नहीं किया है, इस वाले टर्म को यहां पर ला रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा एम डैश ओ ओवर एम ओ, ये वाली टर्म कहां आएगी वन अपॉन में, इनटू आ जाएगा ये वन ओवर एम डैश एफ।
और पी एफ को हमने एफ लिख दिया, पी एफ ये इस लेंस की फोकस दूरी। अब आप देखेंगे हमारे पास में ये वाली टर्म है, हमने पहले ही बनाकर रखी है, ये कितनी है एम डैश ओवर एम ओ ये वाली रही, वैसे ही वन ओवर एम डैश एफ हमारे पास में ये रही। तो ये वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन से ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, जहां पर ये है इक्वेशन सेकंड में और जहां पर वन ओवर एम डैश है इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगा वन ओवर एफ इक्वल्स टू, कितना है ये वाली वैल्यू, तो ये है वन माइनस टी, ये काम कर लेते हैं पहले पुट ही कर देते हैं, वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेंगी ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा वन ओवर एफ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है वन माइनस, और ये हो जाएगा टी म्यू टू माइनस वन ओवर, यहां पर आ जाएगा ये म्यू टू आर वन, ये वाली वैल्यू इसकी है। वैसे ही वन ओवर एम डैश एफ हमारे पास में ये रहा, ये तो ये वाली वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा म्यू टू ओवर एम डैश ओ माइनस, यहां पर आ जाएगा ये म्यू टू माइनस वन ओवर, कितना है ये आर टू, और ये दोनों ही मल्टीप्लाई में है, बिकॉज यहां पर क्या है ये वन ओवर एम डैश ही था और यहां पर ये है वन ओवर एम डैश एफ। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एम डैश एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, ये यहां पर हमने गलती कर दी, इस वैल्यू को अभी पुट नहीं करते हैं बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर कितना था, यहां पर था ये एम डैश ओ ओवर एम ओ, क्या होगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके साथ में बच जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ये वन ओवर एफ इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो यहां पर आ जाएगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा ये म्यू टू ओवर एम ओ, इससे कैंसिल आउट, ये ओपन बच जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा ये म्यू टू माइनस वन ओवर आर टू इन टू, अब यहां पर ये आ जाएगा एम डैश ओ ओवर एम ओ, पहले भी ठीक था लेकिन इसमें थोड़ा सिंपल रह जाएगा बिकॉज काफ़ी ये बहुत सिंपल टर्म्स हैं वरना काटने में बड़ी मुश्किल आती, तो कुछ नहीं किया है, अब वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दी, तो यहाँ पर ये एम डैश से एम डैश कस गया, ओनली ये बच गया और यहाँ पर ये पूरा, अब हमारे पास में सभी वैल्यूज़ हैं, एम ओ की वैल्यू हमारे पास में कहाँ रही, एम ओ की वैल्यू ये रही इक्वेशन वन में एम ओ की, तो यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू टू और एम ओ की वैल्यू ये है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है वन ओवर एम यू है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा म्यू टू माइनस वन इन टू ये वाला म्यू टू ओवर, यहाँ पर कितना आ जाएगा म्यू टू आर वन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू टू आर वन, क्या किया हमने एम ओ की वैल्यू इक्वेशन वन से पुट की है, तो यहाँ पर एम ओ है और यहाँ पर कितना है एम ओ वन अपॉन एम ओ, तो ये वाली वैल्यू उल्टी हो गई, ये नीचे चला गया और ये ऊपर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ये म्यू टू माइनस वन ओवर आर टू, यहाँ पर देखेंगे म्यू टू से म्यू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी और इसकी वैल्यू हमारे पास में ये रही एम डैश ओवर एम ओ, कहाँ पर रही वैल्यू ये रही, अब पुट कर देंगे, यह हमने पुट कर दी थी, यहाँ पर देखेंगे म्यू टू ओवर अभी पुट नहीं की थी, अब पुट कर देते हैं, जैसे ही ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा एम डैश ओ ओवर एम ओ और ये वैल्यू कहाँ गई ये इक्वेशन सेकंड में, करो पुट, ये आ जाएगा वन माइनस म्यू टू माइनस वन ओवर ये टी भी है मल्टीप्लाई में म्यू टू और ये हो जाएगा आर वन। अगर आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये वाली वैल्यू एम एम डैश एफ ये थी, ये रही सॉरी ये
यहाँ पर पुट की है और ये वाली वैल्यू। अब आप इसको वैल्यू रखनी है, आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू रखनी है और ये वाली, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जितना आप लास्ट में वैल्यू रखेंगे उतना ईजी रहेगा। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा ये, आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला म्यू टू, ये वाला म्यू टू था सॉरी, ये तो यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू टू माइनस वन ओवर आर वन, ये वाली टर्म, ये म्यू टू डबल नहीं निकला है एमओ की वैल्यू में, बस ये था बिकॉज एमओ की वैल्यू ये रही। अब आप यहाँ पर देखेंगे माइनस इस टर्म की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाली टर्म की, तो ये वाला माइनस एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू टू माइनस वन ओवर आर वन। अब ये वाला माइनस जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो पहले इसकी मल्टीप्लाई वन से हुई है, तो वन से हुई तो हमारे पास में ये आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये म्यू टू माइनस वन, म्यू टू माइनस वन, यानी कि ये बन जाएगा म्यू टू माइनस वन का होल स्क्वायर इन टू टी ओवर आ जाएगा ये म्यू टू आर वन, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस पूरी टर्म के अंदर म्यू टू माइनस वन कॉमन है सभी में, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा वन ओवर एफ इक्वल्स टू, म्यू टू माइनस वन कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू प्लस, इसमें म्यू टू माइनस वन है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहां से क्या बच जाएगा, ये ब्रैकेट है, यहां से आ जाएगा ये म्यू टू माइनस वन टी ओवर, यहां पर आ जाएगा ये म्यू टू आर वन। अब आप यहां पर देखेंगे यही होता है थिक लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला, यहां पर टी क्या होती है, थिकनेस ऑफ द लेंस होती है, इसी फॉर्मूला का हमको कैलकुलेट करना था, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, जिसके लिए फॉर्मूला ये आता है, कितना आता है वन ओवर एक्स इक्वल्स टू म्यू टू माइनस वन, वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू आर टी। टी क्या है, थिकनेस है, यहाँ पर आर वन होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट कर्व, आर टू होती है ये वाली आर टू सेकेंड कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं थिकनेस जीरो कर देता हूँ, थिकनेस क्या कर देता हूँ जीरो, तो उस सिचुएशन में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वन ओवर एफ इक्वल्स टू म्यू टू माइनस वन और ये आ जाएगा वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू प्लस जीरो, और ये होता है थिन लेंस का फॉर्मूला जिसको आपने बार बार पढ़ा है, बार बार रिपीट किया है। तो दोस्तों ये होता है थिक लेंस का फॉर्मूला जिसके अंदर ये वाली टर्म क्या आती है, थिक लेंस के लिए आती है। अगर लेंस की थिकनेस को हम जीरो कंसीडर कर लें, लेंस की थिकनेस बहुत पतली है नेग्लिजिबल है, तो टी क्या हो जाएगी जीरो, और टी के जीरो होने पर ये वाली टर्म्स क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, और यही फॉर्मूला उस रूप में बन जाता है थिन लेंस के लिए। तो ये होता है थिक लेंस के लिए। अगर टी इक्वल्स टू जीरो तो यही फॉर्मूला बन जाता है थिन लेंस के लिए। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरीके से मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स भी। अगर आप चाहें तो इन लेक्चर सीरीज से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।